गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत करता हूँ एक नई ब्लॉग में, एक नए दिन एक नई सोच के साथ। आज ये शुक्रवार और गणपति बप्पा का आज विसर्जन करेंगे। पिछले वीडियो में आपने देखे होंगे कि मैं गणपति बप्पा को लाया हूँ मेरे घर में, और आज विसर्जन का दिन है। थोड़ा दुख है, फिर भी क्या करें, पप्पा को तो जाना ही है, अगली बार फिर से आना है। तो आप बनी रहिए मेरे साथ मेरी ब्लॉग में, मैं आज आपको आज की दिन की चर्या दिखाता हूँ। तो गाइस, मैं तो फ्रेश हो चुका हूँ और एज यूजल मेरा फेवरेट मैरीगोल्ड खाते हैं, और ऑफिस का काम थोड़ा करेंगे, बर्तन वगैरह है तो धो देंगे, साथ ही साथ पापा का विसर्जन करेंगे। ये है आज की क्लाइमेट, और आप देख सकते हैं पापा के मूर्ति। ये था हमारी सजावट इस गणेश पूजा का दिन। विसर्जन का दिन है, पप्पा तो चले जाएंगे पर हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे, और इंतज़ार करेंगे अगले साल के लिए, और पप्पा के आशीर्वाद से ज़िंदगी में सारे कुछ सही हो रहा है, सही जा रहा है। तो आज शुक्रवार है, ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑफिस का काम ज़्यादा ही रहेगा, तो आज कुछ ऑफिस का काम ज़्यादा ही है। तो अभी मीटिंग अटेंड करेंगे, काम करेंगे तकरीबन 2 घंटे तक, और उसके बाद देखते हैं खाना बनाएंगे या फिर बाहर खाएंगे, और गणपति पप्पा का विसर्जन भी है आज। तो मैं अभी नहा के रेडी हो चुका हूँ, पप्पा का विसर्जन करेंगे आज और इसी वक्त, और अब देख सकते तिलक भी लगा चुका हूँ, पप्पा का आखिरी आरती करूँगा, साथ ही साथ पप्पा को और भी आशीर्वाद मांगूँगा, ताकि मैं ज़िंदगी में और जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनकी तरक्की के लिए, स्पेशली दीपांशु भाई के लिए, सौरभ के लिए और सारे यूट्यूबर्स के लिए। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आरती तो हो चुका है, और अभी तैयारी करेंगे पानी का, पानी में हम भगवान को डुबाएंगे। यहाँ पे तो बेंगलोर में कोई ऐसा सुविधा नहीं है कि नदी या फिर कोई झरना हो जिसमें जाके हम विसर्जन कर सके, तो सिर्फ एक बर्तन में पानी रखेंगे और पापा को वहाँ पे विसर्जन करेंगे। बर्तन रख चुका हूँ, और भगवान को अभी समय है वहाँ पे लेके इधर विसर्जन करने का, और ये मोमेंट बहुत ही इमोशनल है, पर क्या कर सकते हैं, भगवान का भी यही जाना, मतलब कि यही इच्छा है कि वो आ रहे हैं, अभी जाएंगे फिर से वापस और एक बार आएंगे अगले साल। ये जो आप फूल का माला देख रहे हैं, ये गणेश जी को मैंने चढ़ाया था, और ये मेरे साथ ही रहेगा, क्योंकि ना पापा तो जा चुके हैं, और उसको हमेशा रखूँगा, ये भगवान की ब्लेसिंग्स मेरे साथ रहेगा हमेशा। तो अभी समय बजा है 3:30, गणपति जी के विसर्जन हो चुका है, मैं खाना भी खा चुका हूँ, और ऑफिस का काम आज कुछ ज़्यादा है, क्योंकि ना आज शुक्रवार है, तो जनरल नहीं हुआ करता था, वही तो काम मिटा देता हूँ उसके बाद
हाँ बर्तन ही वो धो देंगे और कुछ खाना पका लेंगे शाम के लिए, और घूमने चलेंगे भी। कौन आया है, कौन आया है, कौन आया है, आ जा, कौन आया है, बिस्कुट लेगा? ठीक है। ये कैसे देख रहा है, कौन खाएगा ये कौन खाएगा? मार्केट गया था, मार्केट से भिंडी और ये बैंगन लेकर आया। भिंडी और बैंगन का आज कुछ सब्जी बनाएंगे। चावल तो चढ़ा चुका हूँ प्रेशर में, अभी दाल के लिए ये सारे सब्जियाँ काट लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे तो सब्जी काट चुका हूँ और ये अदरक लहसुन भी कूट चुका हूँ। दाल बनाऊँगा शाम के लिए, चावल बन चुका है, नहाऊँगा, कपड़े बदल के जाऊँगा वॉक करने के लिए। समय बजा है 6 और मैं जा रहा हूँ इवनिंग वॉक करने के लिए। तबीयत इतना सही नहीं है, सर दर्द हो रहा है, बुखार जैसा फीलिंग हो रहा है, क्योंकि मैंने केले खा लिया था नहाने के बाद। तो चलते हैं कुछ गर्म खाते हैं। एक साल पहले ना इतना काम हुआ करता था तो घर आते आते 8 बजे था, यानी कि सुबह 9 बजे जाओ ऑफिस, घर आओ 8 बजे। लिटरली मैंने 12 घंटा का शिफ्ट कर रहा था, तभी पढ़ता भी था, रेगुलर वर्क चल रहा था, उसके साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ जॉब। सीरियसली आई वॉज लाइक मैं तो गया, पर आज इस साल मतलब कि काम मिलता ही नहीं करने के लिए, कुछ काम है ही नहीं, मैं क्या करूं? आप सोच रहे होंगे मैं आपको कुछ अच्छा नहीं दिखा रहा हूं, डेली रूटीन दिखा रहा हूं, क्या है एक्चुअली मेरा लाइफ ही ऐसा है। मैं तो तकरीबन वर्क कंटिन्यू करूंगा और आधा घंटे के लिए, और आज की वीडियो को यहां पे करेंगे एंड, और गणपति बाबा का विसर्जन भी आज हो गया तो इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं एंड। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर है तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए।